This program is brought to you in association with Nestle Fruit of Vitals. Go Royal. रमन हल को एक और मौका देना चाहते हैं। मुज़ाकरात और दहशतगर्दी साथ साथ नहीं चल सकते। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन विद अफसार आलम। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात और उसको हल करने के लिए जो मुज़ाकरात का फैसला किया है हुकूमत ने, उस पर करेंगे। बहुत सारी खबरें आई हैं, उसी दिन ये फैसला हुआ जिस दिन कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला हुआ और उसकी जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने उसके जवाब में उनको फिर मुज़ाकरात की पेशकश की है। एक ऐसा फैसला जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तहरीक इंसाफ ने, JUI ने, ANP ने और जमात इस्लामी ने जिसकी सपोर्ट की है, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इसकी मुखालफत की है। सिर्फ एक जमात है जिसने मुज़ाकरात की मुखालफत की है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई वजीर राना सनाउल्ला ने यह बयान देकर के ऑपरेशन का फैसला हो गया है और तरीकाकार फौज तय करेगी, ये भी उसी दिन ही बयान आया जिस दिन ये फैसला हुआ, तो कन्फ्यूजन काफी इसमें क्रिएट हुई। और उसके बाद अब इस वक्त तहरीक तालिबान का शुरा का इजलास भी हो चुका है, जिसमें उन्होंने उससे पहले भी वो मुज़ाकरात की इस ऑफर को खुशामदीद कह चुके हैं। कमेटी पर भी उन्होंने अपना एतमाद का इजहार किया है, लेकिन उस कमेटी के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट तो की है, लेकिन चेयरपर्सन जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ने उस कमेटी के लोगों पर तनकीद की है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर एतराजात भी हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया तलाल चौधरी साहब ने, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, और हमें ज्वाइन किया सेनेटर सईद गनी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब जो मेंबर कौमी असेंबली भी हैं और वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका बहुत वाज़े मुतालबा था कि दहशत गर्दों से मुज़ाकरात होने चाहिए और ये मसला मुज़ाकरात से हल करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं सईद गनी साहब आपसे बात का आगाज करना चाहता हूँ। आप ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने एतराज़ किया है कमेटी की फॉर्मेशन पे, कमेटी के कुछ मेंबरान पे, लेकिन आप की जमात ने वैसे इस मुज़ाकरात को, इस ऑफर को सपोर्ट किया है, आप समझते हैं इसमें कुछ तादाद है? नहीं, अगर आपने बिलाल साहब की ट्वीट्स पढ़ी हो तो बिलावल कहा कि मैं मियां नवाज शरीफ के साथ, जी बिलाल साहब की, उन्होंने कहा कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हूँ और मैं इनको चर्चिल के तौर पर देखना चाहता हूँ, तो उन्होंने सपोर्ट तो की है, लेकिन जो मेंबर्स उन्होंने बनाए हैं उसमें डेफिनेटली मेजर आमिर एक ऐसा करेक्टर है जिसके ऊपर माजी में बहुत सारे एतराजात उठाए गए हैं, उनके ऊपर लगाए गए इल्जाम साबित हुए और वो कोर्ट मार्शल के जरिए नौकरी से निकाले गए, और अगर उनके माजी को देखें तो वो एक साजिशी किरदार हैं जिन्होंने कोई पॉजिटिव काम कभी शायद मुझे लगता नहीं कि किया हो, तो अगर उनको वो उस कमेटी में शामिल किया है उससे तवक्को ये है कि कोई बेहतर काम करेंगे वो, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमारे जो तहफ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन अगर हुकूमत ने मुनासिब समझा है कि वो मुज़ाकरात के जरिए मसले को हल कर सकती है तो उसको ज़ाहिर है कि सपोर्ट अब हमने किया है, हुकूमत का ये इख्तियार है कि वो फैसला करे, और हम ये नहीं चाहते कि कोई हम ऐसी बात करें जिससे हुकूमत के लिए मौक़िफ़ इख्तियार करने पर मजबूर हो जाए या उनको एक बहाना मिल जाए कि जी फलां पार्टी ने हमें सपोर्ट नहीं किया था, हमें पॉलिटिकल बैकअप नहीं था इसलिए शायद हमें नाकामी हुई है। तो कन्फ्यूजन कोई नहीं है, जो मुज़ाकरात की बात वो कर रहे हैं उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि कोई एक कोई लाइंस ड्रॉ होनी चाहिए कि किस हद तक जो है वो हुकूमत दहशतगर्दी के मजीद वाकयात को बर्दाश्त करेगी या किस हद तक कितने अरसे के लिए हुकूमत जो है मुज़ाकरात पर डिपेंड करके बैठेगी, तो ये चीजें हैं जिसकी वजाहत होनी चाहिए। एक तो टाइम फ्रेम हो गया, दूसरा आप क्या समझते हैं कि देखें जो लाइन आप ड्रॉ करने की बात कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए? जैसे वो कह रहे हैं कि फौज वापस चली जाए, यहाँ से तमाम तालिबान कैदियों को रिहा कर दिया जाए, ड्रोन हमले बंद कर दिए जाए, ये तीन आई ना बातें, क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, एक 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 तो यह है कि तालिबान की जो डिमांड्स हैं वो किस हद तक काबिल कबूल हैं या कितनी मानी जाएंगी वो अपनी जगह है, लेकिन देखें इस पूरे अरसे के अंदर अल्लाह न करे लेकिन इम्कान मौजूद है कि दहशतगर्दी के वाकयात फिर हो सकते हैं, और मुझे लगता यह है कि होगा ये
कि जो आपसे मुजाकरात कर रहे होंगे वो उसको डिसॉर्म करेंगे, लेकिन कुछ और ग्रुप्स हैं जो हो सकता है कि उनके अपने ही कुछ जेर साया काम करने वाले हों, उनके जरिए करवा के हुकूमत के ऊपर शायद दबाव ज्यादा बढ़ाया जाएगा। तो ये एक तरीके का और एक टैक्टिक्स के तौर पे जो टीटीपी है वो भी इन चीजों को यूज कर सकती है। तो उसमें हुकूमत की तरफ से एक वाजे लाइन ड्रॉनी चाहिए, एक रेल लाइन ड्रॉनी चाहिए कि अगर दहशतगर्दी होगी तो फिर हम कितना आगे मुजाकरात में जाएंगे या नहीं जाएंगे। ठीक, शाह महमूद कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपने सुना सेनेटर सईद गनी साहब जो कह रहे थे कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए, तालिबान की डिमांड्स हैं, हो सकता है वो टैक्टिक तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो इस मुजाकरात के ऑफर को, सर्दियों का वक्त गुजर जाए, गर्मियों में वो अपनी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करते हैं। आप समझते हैं कि ऐसा ही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब पीपल्स पार्टी ने टॉक्स को सपोर्ट करने का फैसला कर लिया तो फिर उन्हें इखलास से काम लेना चाहिए और उनकी नीयत पर शक नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब आपने जब फैसला कर लिया है तो नाउ गिव इट अ सिंसियर ट्राई। अब अभी तक उन्होंने कोई शर्त शरायत रखी नहीं है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हमारी शूरा मिलेगी और शूरा मशावरत के बाद अपना फैसला देगी। अब देखते हैं वो क्या कहते हैं, ठीक है ना। अब दो तीन चीजें तो बड़ी वाजे हैं कि दोनों तरफ से इखलास का मुजाहरा होना चाहिए और एक माहौल बनाना चाहिए जो साजगार हो। उसके लिए जरूरत इस अमर की है कि सीज फायर हो। यहां जो तालिबान कार्रवाइयां करते रहे हैं, धमाके करते रहे हैं, वो फिल फॉर बर्न होने चाहिए। कोई उनकी तरफ से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और हमारी तरफ से भी जो हमारी फोर्सेस वहां ऑपरेट कर रही हैं उन्हें भी अपनी कार्रवाई बंद करनी चाहिए। इसी तरह अमेरिका से हुकूमत पाकिस्तान को क्लियर कहना चाहिए कि पिछली दफा हमारा अमल जो था वो आपकी ड्रोन की वजह से उसमें तातुल आ गया था, बराए मेहरबानी जब तक टॉक्स हो रही है कोई ड्रोन हमला मत कीजिएगा, ठीक है ना जी। तो ये एक माहौल साजगार बनाया जाए और उसमें पेशरफ की जाए। मेरी राय में प्राइम मिनिस्टर साहब को जो चार रुकनी कमेटी उन्हें बनाई है इन्हें फौरी तौर पर इन्हें मिलना चाहिए। अपनी उनकी जो सोच है जिसकी सोच पर उन्होंने एक अपना फैसला तब्दील किया, तकरीबन लगता ऐसे है क्योंकि एक रोज पहले आपके इल्म में है कि मुस्लिम लीग की पार्लिमानी पार्टी मिलिट्री ऑपरेशन के हक में तालियां बजा रही थी और दलाइल दे रही थी, और सुबह भी असेंबली में भी आपने देखा कि जो तकरीर की जा रही थी वो मिलिट्री ऑपरेशन के हक में की जा रही थी, लेकिन जब प्राइम साहब का फैसला आया तो वो उसके बिल्कुल बरअक्स था। तो लगता ये है कि कोई चेंज ऑफ हार्ट हुआ या उन्होंने अपने फैसले पर नजरसानी की। ठीक है, तो अब जब वो फैसला कर चुके हैं तो इसको सिंसेयरली आगे इस पर अमल होना चाहिए और माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहिए। हमें बिला वजह शकों को शुबात नहीं करने चाहिए, नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि मीडिया ने बड़ा रोल प्ले करना है, मीडिया ने भी एनवायरमेंट को पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी है। ठीक, अच्छा, दो लोग तो कमेटी में मीडिया से हैं, शायद इसीलिए हैं कि वो एनवायरमेंट पॉजिटिव हो, लेकिन ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं के जो तालिबान पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान की रियासत को मानते ही नहीं है, उन वो अपने इस मौकफ से दस्तबरदार होंगे? देखिए अफसर साहब, बात बेहद बड़ी क्लियर। हमने आज तरीके साफ भी अपना नुकसान नजर इस पर पेश कर भी रही है, अभी इमरान साहब ने स्टेटमेंट भी दिया है, कल अखबारों में छप जाएगा। हमने मुदाखरात करने हैं आइन के दायरे के अंदर रहते हुए, ठीक है, इसमें कोई अभाव नहीं है। नहीं, कोई अभाव नहीं है। जो हमारी कोशिश होगी कि ये हजरात पाकिस्तान के आईन के दायरे के अंदर मुजाकरात करें। हम समझते हैं इनमें से बहुत से लोग हैं जो उस पर तैयार हो जाएंगे, और जो पाकिस्तान के आईन को मानते ही नहीं है तो फिर उनसे मुजाकरात हमारे आगे बढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन उनको आइसोलेट करना जरूरी है और इनकी तशखीस होनी जरूरी है। ठीक, अगर उनको आइसोलेट कर लिया जाता है इस प्रोसेस के तहत और अलग कर लिया जाता है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी जो आपकी इत्यादी है वो मुतमिन होंगे इस अमल से? और अगर ये ट्रांसपेरेंट होता है तो फिर अगर खुदा ना खास्ता मुजाकरात फेल होते हैं तो क्या एक मिलिट्री ऑपरेशन की सपोर्ट करेगी तहरीक इंसाफ? देखिए, अर्ज ये है कि
लॉजिकल बात जो आप कर रहे हैं ना, वो आपकी बात में मैं आपका इशारा समझ रहा हूं आप क्या फरमा रहे हैं, लेकिन अभी उसको कहने का वक्त नहीं है, इसका कहने का वक्त नहीं है। और जब मुनासिब वक्त आएगा तो तहरीक इंसाफ अमन चाहती है, और वो लोग जो अमन के रास्ते में रुकावट बनेंगे, हम फिर उनके साथ जो भी हमें हिकमत अमली अपनानी पड़ी उसके बारे में गौर करेंगे, लेकिन आज ना चलवाइए। ठीक, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब हमसे बात करने का, आपका वाज़े मौकफ आ गया और आपने अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं, सेनेटर सईद गनी साहब ने भी अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं, इन सब के जवाब लेंगे तलाल चौधरी साहब से एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। तलाल चौधरी साहब, क्या वाकई चेंज ऑफ माइंड हुआ है, हुकूमत के फैसला हो चुका था मिलिट्री ऑपरेशन का और उसके बाद मुज़ाकरात की तरफ गए? राणा सनाउल्लाह ने भी ये बात कही है और उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में भी ये कहा था कि उन्हें ये बात नहीं कहना चाहिए थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिये जी, पहली बात तो जो कुरैशी साहब ने भी की है कि हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी में इस तरह का माहौल पाया गया, मेरा ख्याल ये पूरे पाकिस्तान के लोगों के जज्बात थे, जो उनके इलेक्टेड लोग जो हर जगह पे वो पीपल्स पार्टी से थे, वो दूसरे भी, वो ये जो खून की पिछले दिनों एक लहर उठी है ये बदमनी की, वो सब लोग परेशान थे और चाहते थे कि इसका हल हो, तो उनका इजहार जरूर किया है। लेकिन लीडरान जो लीडर होता है उसका काम यही है कि वो फिर जज्बात में आके फैसले नहीं करता, बल्कि उसने फिर दानिशमंदी का मुजाहरा किया और जज्बात को हिकमत के ताबे कर दिया और फिर वो जो उन्होंने फैसला किया, और मेरा ख्याल है कि उस फैसले पे और कल जिस तरह की स्पीच की उसमें उन्होंने मुज़ाकरात के जो इखलास है वो भी बयान किया अपना एक दफा फिर से, और साथ ये भी इशारा दिया कि अमन हर सूरत होगा। अच्छा, एक चीज बताएं, आपने कहा कि उन्होंने खुलूस के साथ ये बात की और हिकमत जो है वो जज्बात पे गालिब आ गई, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या गारंटी है कि यही जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो अमन की और सुलह की बात हो रही है तालिबान से, तालिबान इसको उसी तरह यूज नहीं करेंगे जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान सवात में एक माहदे को किया था? देखिए जी, ये बात कल भी हुई और ये फिक्रा भी उस तकरीर में कहा गया कि मुज़ाकरात और दहशतगर्दी इकट्ठे नहीं चल सकते। ठीक, और जितनी जिम्मेदारी इस हुकूमत पे है इतनी जिम्मेदारी वो इस उस फरीक पे भी है कि अगर वो बार बार मुज़ाकरात की बात करता है, और ये फिर ये जो कमेटी बनाई गई है ये भी इसलिए बनाई गई है कि बहुत सारी हुकूमत तो कोशिश पहले भी करती रही लेकिन उसकी कोशिशों को फिर उस नजर से नहीं देखा गया, हमारे पीटीआई भाई को भी इस पे एतमाद नहीं था और बस बाकी जमातों को मीडिया ने बहुत तनकीद की कि शायद पता नहीं कुछ हो भी रहा, अब इस तरह के लोग बना दिए गए हैं ताकि पता चल जाए कि दोनों में से कौन इखलास के साथ ये कोशिश कर रहा है और कौन इसको फिर गलत इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन तलाल ये बताइएगा कि ये जो कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी में ऐसा कौन सा काम है जो आज से चार महीने पहले, पांच महीने पहले, छह महीने पहले या तीन महीने पहले नहीं हो सकता था? नहीं, देखिए ना, कमेटी हुकूमत ने उस वक्त भी कोशिश की और उसके बाद उस कोशिश में वो ड्रोन, फिर उसके बाद दूसरी कार्रवाइयां, ये तमाम चीजें इसमें डालती रही, तत्ल डालती रही, इसमें रुकावट मुज़ाकरात में डालती रही, और यकीनन जब बंदा सिचुएशन से सीखता है, और मैं समझता हूं कि इसमें अपोजिशन को, मीडिया को, लोगों को और हकूमत की कारकर्दगी और हकूमत का जो तरीका कार है उसके दरमियान एक ऐसी कमेटी बनाई गई ताकि वो लोगों को बताए कि हुकूमत वाकया ही वो कुछ कर रही है जो कह रही है, और इस कमेटी पे तालिबान को भी एतमाद। बिल्कुल, लेकिन एक बात बताएं, तालिबान को तो एतमाद है लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कमेटी के मेंबरान पे इतराज किया, अभी भी सेनेटर सईद गनी साहब ने जिक्र किया है माजी का, तो क्या जवाब? देखिये, कुरैश साहब ने बड़ा बजा कहा है कि अगर उन्होंने कल जब कमेटी का अनाउंस हुआ तो हमारे अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने उसकी हमायत की, तो अब हम इस माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल, हमें पता है कि आमिर साहब का वो मिडनाइट जेकॉल वाला पुराना जो रोल है वो यकीनन पीपल्स पार्टी के लिए वो तकलीफ का बायस होगा, लेकिन उन्हें कोई उस हवाले से नहीं डाला गया, उनके वालिद एक दीनी आप और उनके फिर उन शागिर्दों में तालिबान के बड़े बड़े आजकल लीडर्स भी हैं और उनका जो इन्फ्लुएंस है उसे यूज करने के लिए उस निस्बत से इस कमेटी में रखा गया है। ठीक, तो मेरा ख्याल है कि अब हमें इस डिस्कशन पे कि किसका जाती करेक्टर क्या है, अब इस कमेटी की कारकर्दगी पे हमें बहस करनी चाहिए कि अगर उसमें अपना पूरा काम किया। कारकर्दगी पे बात कर लेते हैं, कमेटी को क्या इख्तियार दिया गया है? देखिए, सबसे पहले तो कमेटी जो है वो दोनों फैसिलिटेट करेगी,
और उसके बाद को हाँ और उसके बाद ये जो बात है जिसपे बात बात हम पे अदम एतमाद किया जाता है, इसका भी तो कौम को पता चले ना कि हुकूमत कितनी सिंसियर है, दूसरे कितने सिंसियर हैं, कौन सी बात से कौन बैकआउट करता है और किस वजह से ये। लेकिन अच्छा कौन सी बात जो आपने कही, कौन सी बात से कौन बैकआउट करता है? शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़े वाजे तौर पर कहा कि तहरीक इंसाफ का मौकफ है कि आइन से बाहर कुछ नहीं होगा, कोई अभाम नहीं है, क्या आपकी हुकूमत भी इतने ही क्लियर है? ये कल बात स्पीच में भी कही गई। और अगर कोई क्याम पाकिस्तान को और पाकिस्तान के क्याम को इसके आइन को नहीं बांधता तो उससे तो फिर बात का कोई तुक ही नहीं बनता। ठीक, ये तो पहला वो नुक्ता है जिस पर टेबल से बैठने से पहले दूसरे फरीक को सोचना होगा कि वो आइन के ताबे रह के बात होगी। सईद गनी साहब, कुछ आप मुतमिन हुए जो दलाल चौधरी साहब ने बात की है कि कमेटी की फॉर्मेशन पे भी उन्होंने, मेंबर्स के बारे में भी उन्होंने जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि आइन के अंदर रहते हुए तमाम मुज़ाकरात होंगे और कमेटी का मैंडेट भी यही है कि वो दोनों अतराफ के दरमियान एक राबते का जरिया होगी, क्या समझते हैं आप? पुर उम्मीद हैं होना चाहिए जैसे शाह महमूद कुरैशी ने कहा? देखें, एक बात तो मैं बिल्कुल वाजे कर दूं कि ये हुकूमत का इख्तियार है कि वो जिस तरह की चाहे कमेटी बनाए, जिस शख्स को चाहे कोई जिम्मेदारी दे दे, वो इनका अपना हक है। ठीक, लेकिन अगर हम समझते हैं कि किसी शख्स का माजी ठीक नहीं है तो उसकी हम निशानदेही कर सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं। और तलाल साहब से मैं गुजारिश करूं कि अगर किसी फर्द को आपने जांचना हो तो आपके पास सिवाय उसके माजी के आपके पास कोई पैमाना नहीं है कि आप ये जांच सकें कि उस शख्स का किरदार कैसा है, वो शख्स कैसा है, अच्छा है या बुरा है। बहरहाल ये इनकी मर्जी है, उन्होंने कर लिया। दूसरी में गुजारिश ये है कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब फरमा रहे थे, देखिये मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि हुकूमत की नीयत पर, मियां साहब की नीयत पर हमें कोई शुबा नहीं है। इसलिए कि कोई भी ऐसा शख्स जो इस पाकिस्तान के लिए अपने दिल में थोड़ी बहुत भी मोहब्बत रखता होगा वो यकीनन ये चाहता है कि इस मुल्क में अमन हो जाए और इस दहशतगर्दी से हमारी जान छूट जाए। और बतौर वजीर आजम यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूं कि चाहे वो हमारी कितने इख्तलाफात हों, वो कतन ये नहीं सोचेंगे या ये चाहेंगे कि इस मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ती रहे या अमन अमान की हालात बेहतर ना हो। तो इस मुतल्लिक हमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन अगर आप PMLN की हुकूमत, मौजूदा हुकूमत के दो तीन आपके सामने मैं फैक्ट्स रख देता हूं जो दहशतगर्दी के मुतालिक उनकी जो कंफ्यूजन है वो नजर आती है। जब शुरू में बात हुई कि जी मुजाकरात किए जाएंगे तो प्राचा साहब एक सामने आ गए, उन्होंने कहा जी मुझे कहा गया है कि मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं। हुकूमत ने कहा जी हमने नहीं कहा, वो अपने तौर पर कर रहे हैं। उसके बाद चौधरी निसार साहब ने जब कमेटी बनाई तो उन्होंने कहा कि जी हम लोगों के नाम इसलिए अफशा नहीं कर सकते कि ये बड़ा ही एक अहम काम है और बड़ा सीक्रेट तरीके से करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि लोग एक्सपोज हो जाएं, लोगों के नाम सामने आ जाएं। एक साथ रुकने की कमेटी बनाई गई जिसके अंदर बहुत ही जय्यद उलमाए कराम शामिल थे और उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि वो बात करें। उसके बाद पता चला जी उसका भी कुछ नहीं निकला, वो ड्रोन के बाद कह रहे हैं कि मुजाकरात नाकाम हो गए। उसके बाद समीउल हक साहब से वजीर आजम मुलाकात करते हैं और ये तासुर उभरता है कि उनको जिम्मेदारी दी गई है। फिर उन्होंने खुद कहा कि जी मुझे जिम्मेदारी दी गई है। फिर हुकूमत की तरफ से एक तरदीद आ जाती है कि नहीं जी उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। उसके बाद जब मियां साहब सवाल जाते हैं उसके अगले दिन, ये अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, चौधरी निसार साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये टीवी पर आकर कहा कि तालिबान अगर मुजाकरात नहीं करना चाहते तो हम क्या करें, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। अब अगर एक हफ्ता पहले वो साफ इनकार कर रहे थे तो अब अचानक से ऐसी क्या चीज हो गई कि मुजाकरात पर तैयार हो गए? चलिए अच्छी बात है, फिर भी अच्छी बात है अगर वो मुजाकरात करना चाहते हैं। तो अब जब कमेटी बनाई गई तो अब चौधरी निसार साहब का वो फार्मूला कहां चला गया कि जी सीक्रेट होना चाहिए और लोग सामने नहीं होने चाहिए। और मुझे इस बात में कोई शुबा नहीं है, ये चारों लोग हो सकता है कि बहुत ही असर रखते हों, इस मसले को हल कर सकते हों, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस मुल्क के जो उलमाए कराम है, जो जय्यद उलमाए कराम है, जिनका ताल्लुक या जिनका किसी किस्म का कोई वास्ता TTP के रहनुमाओं के साथ है, उनसे ज्यादा बाअसर ये किसी तौर पर नहीं हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये बनाए गए हैं, अल्लाह करे ये काम करे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखें, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर साहब के अगर छोटा सा ब्रेक ले लूं, आप ही के पास आ जाता हूं तो आप जी इंपॉर्टेंट बात उस वक्त कर लें, एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जी सेनेटर सईद गनी साहब, आप कुछ बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, जी फरमाइएगा। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राणा सनाउल्लाह साहब बाज़ औक़ात बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान दे जाते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी कर जाते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे इस बात पर कोई शुबा नहीं है कि वो बड़े वेल इन्फॉर्म्ड मिनिस्टर हैं।
और वो उनको उनके मुंह से जो बात निकलती है उसमें जरूर कुछ ना कुछ हकीकत जरूर होती है। ठीक। तो उन्होंने एक गार्जियन को इंटरव्यू दिया है जिसमें बहुत सारी बातें कही हैं, और अगर हमें कुछ खदशात हैं तो उसकी वजह यह नहीं है कि हमें हुकूमत की नीयत पर शक है, हुकूमत की यह ख्वाहिश है कि अमन कायम हो जाए, लेकिन मैं समझता हूं कि टीटीपी की ख्वाहिश ये नहीं है, उनकी ख्वाहिशात कुछ और हैं, उनकी उनकी तरजीह ये नहीं होगी। तो जाहिर है कि अगर आपके सामने 12 साल का एक पूरा ट्रैक सब मौजूद हो, बहुत सारे मुज़ाकरात और एग्रीमेंट्स मौजूद हो, और उनका जो हशर वो आपके सामने मौजूद हो, तो अगर ऐसी सूरत हाल दोबारा डेवलप हो रही है तो वो माजी के किरदार हमारे सामने जरूर रखने चाहिए कि जो मुज़ाकरात हुए, जो मुआहदे हुए, उनका हशर क्या हुआ था, उनको मद्देनजर रख के हम आगे कोई फैसला कर सकते हैं। ठीक जीतलाल साहब, बहुत सारी अहम बातें हैं। एक तो ये कि सीक्रेट आप हुकूमत बहुत सारी चीजों पर नया स्टांस लिया है, उसने पहले फैसला हो गया था मिलिट्री ऑपरेशन का, अचानक मुज़ाकरात हो गए, फिर जो निसार साहब कह रहे थे सीक्रेट रखना है कमेटी के मेंबरान को भी, अमल को भी, अब सब कुछ ओपन हो गया, ये क्या इतना इतनी तब्दीलियां? सबसे पहले सीक्रेट रखने का जो मुतालबा था ना जी, वो दूसरे फरीक का था, वो तालिबान का था कि इसे सीक्रेट रखा था, और उस वक्त तक किसी को कुछ ना बताया जाए जब तक कि पहली बाज़ाब्ता मुलाकात नहीं हो सकती, हो जाती। और इसके बाद फिर चौधरी निसार साहब पे बड़ी तनकीद की गई कि ये आगाज ही नहीं हुआ, ये कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन कल उन्होंने परसों हाउस में ये बात की और उन्होंने कहा ऑन रिकॉर्ड है, कोई देखना चाहे तो वो देख ले कि वो जो हकीमुल्ला उनके नाम से जो उन्होंने अपने हाथ से लेटर लिखा हुआ है जिसपे नाम लिखे हैं कहाँ तक बात पहुंच गई थी। तो वो सीक्रेट रखने की बात डेफिनेटली अगले फरीक की थी, जिसकी वजह से ये कोशिश की गई कि भी शायद इससे कोई कोई खलल पैदा ना हो ताकि सीक्रेट रखा जाए। ये वहां से आया था मुतालबा? जी बिल्कुल। तो अब उनका ये मुतालबा नहीं रहा कि सीक्रेट रखे? ये डेफिनेटली अब जो कमेटी है ये इस इन बातों के लिए इसे वो देख सकती है कि भी अब इसे सीक्रेट रखना है, बताना है नहीं बताना। और इसके साथ साथ कमेटी में स्पेशली इस तरह के लोग हैं जिनपे कल जिन्हें पूछा जाएगा बाद में, तो वो हुकूमती लोग नहीं है सिर्फ, वो फिर लोग उनको बात पे इत्माद करेंगे, वो न्यूट्रल लोग हैं कि भाई किसने क्या कोशिश की। और उसके साथ साथ केपीके की हुकूमत का एक नुमाइंदा भी उसमें शामिल है। ठीक। मेरी दो इसमें गुजारिश आते हैं कि देखिये ये मुज़ाकरात बहुत सारे बैरूनी हाथ भी नहीं चाहते कि अमन हो, इस बात का हमें भी देखना होगा कि अगर कोई इस दौरान कुछ होता है तो वो जरूरी नहीं है कि वही लोग करें, बैरूनी हाथ भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान में अमन हो। और इन बातों के साथ साथ जब, और मेरा ख्याल है कोई रिजल्ट आएगा तो इस दफा केपीके की हुकूमत ने जो पिछले 2-4 माह में वफाक के साथ या पिछले जो 6 माह में तलकात या जिस तरह के रखे हैं, मेरा ख्याल है वो भी अपने एटीट्यूड को बदलेंगे, क्योंकि जो वफाक ने फैसला किया है उसमें फिर उन्होंने तावन नहीं किया। नहीं ठीक है, चलिए ये तो एटीट्यूड बदलेंगे सियासी जमात है, लेकिन क्या तालिबान भी अपने एटीट्यूड बदलेंगे? देखिये नहीं बदलेंगे तो ये मुज़ाकरा नहीं हो सकेंगे, ये बड़ा क्लियर है, ये अब ये सब पाकिस्तान की आवाज है, ये इस तरह ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं चलेंगी। बदलने से आपकी क्या मुराद है, क्या समझ से क्या चीज माहौल करेगी कि ये तालिबान का एटीट्यूड बदल गया है? ये जिस तरह के वाकयात हैं, अगर इस तरह के वाकयात होंगे तो कोई फिर कौम हुक्मरान जितना भी चाहे, फिर जितनी मर्जी पार्टियां चाहें, लीडरान चाहें, ये जो अब अवाम है, जो लोग हैं, फिर इन्हें ये फिर बातचीत नहीं, फिर वो कहेंगे कि इनका कोई और हल तलाश किया जाए। अच्छा, और हल पे तो खैर हम डिस्कस करते हैं, लेकिन जो सईद गनी साहब ने कहा कि माजी में भी होता रहा है, वो अपने तमाम वादों को वायलेट करते रहे हैं, हुकूमत की तरफ से जाहिर है कुछ वायलेशन होती होगी, तो इसकी क्या गारंटी होगी दोनों तरफ के लिए? देखिए गारंटी तो इसमें सबसे पहले तो इसका आगाज हो जाए मुतालबात, और उसके बाद उसके क्या रिजल्ट आएगा, ये सारी चीजें जैसे जैसे चलेंगी पता चल जाएगा। और पिछला भी अगर जो 6 माह देखें तो हुकूमत ने बहुत कोशिश की है, स्वाए एक ड्रोन हमले के जो पाकिस्तान हुकूमत के इख्तियार में नहीं था, उसके अलावा तमाम इकदाम हमारी तरफ से पूरे होते रहे। तो ये दूसरी साइड से ज्यादा दूसरी साइड की बात मैं भी बिल्कुल, अगर वो नहीं काम भी दूसरी साइड की बात पूछना चाह रहे हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर मजबूरन फिर दूसरे ऑप्शन पर हुकूमत को जाना पड़ेगा। इस पे क्लियर है बिल्कुल। और ये तो देखिये ना, ये अगर आप पूरी स्पीच पढ़ें तो उसमें पूरी तर्जमानी प्राइम मिनिस्टर ने तमाम वाकयात का नाम लाम लेके, लोगों का जाती नाम लेके और तर्जमानी की, क्योंकि उन्हें भी इतना ही इस बात का कुरान के हवाले उन्होंने कुरान के रंज और दुख। और साथ फिर आखिर में उन्होंने ये भी कहा, ये दो बातें की, एक तो उन्होंने कहा मुज़ाकरात और दहशतगर्दी साथ साथ नहीं चलते, और दूसरा उन्होंने कहा कि अब अमन हर सूरत आएगा। सईद गनी साहब देखिये यहां तो बहुत ऑप्टिमिज्म है और क्लैरिटी भी वो कह रहे हैं हमारी तरफ है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और ये दहशतगर्दी नहीं रुकती तो फिर हमें दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, आप क्या समझते हैं?
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मुझे इनकी नीयत तो कोई शुबा नहीं है, लेकिन एक बात उन्होंने भी खुद कही कि बैरूनी हाथ भी है जो नहीं चाहता कि इस किस्म इस मुल्क में अमन कायम हो। ये हमें सबको पता है कि कोई ऐसी कुवतें जरूर हैं, कुछ ऐसे ग्रुप जरूर हैं जो किसी और के कहने पर काम करते हैं, लेकिन ये बात TTP को भी समझाने की जरूरत है। अगर पहले चौधरी निसार के बकौल मुजाकरात आगे बढ़ रहे थे तो ड्रोन अटैक तो किसी और ने किया था ना, मुजाकराती फरीक ने तो नहीं किया था, लेकिन उसको बुनियाद बना के सारी चीजें जो है वो उलट। लेकिन सही साहब, वो ड्रोन के बारे में बात तो ये की जाती है ना कि पाकिस्तान की हुकूमत उस फैसले में शामिल होती है, रही है, एक ऐसा मुआहदा हुआ है जो जाहिर है पेपर्स पे नहीं है लेकिन है। नहीं, लेकिन अब अगर देखें ना, चौधरी निसार साहब कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं और उनके तमाम वज़रा कह रहे हैं, और हुकूमत जब ये कह रही है कि ये गलत हुआ और नहीं होना चाहिए था, तो फिर हमें ये समझना चाहिए कि हुकूमत की मर्जी से नहीं हुआ है। लेकिन ये बात तालिबान को समझाने की जरूरत है कि अगर हम मुजाकरात कर रहे हैं किसी फरीक के साथ और अगर कोई फरीक वायलेट करे तो फिर तो आपका एतराज बजा के जी आपने ये जो है ना हमें धोखा दिया, लेकिन कोई तीसरी कुवत जो इस पूरे मुजाकराती अमल का हिस्सा नहीं है उनकी तरफ से कोई एक्शन होता है और उसको बुनियाद बनाकर मुजाकरात को खराब करना, तो ये थोड़ा सा उनको भी समझाने की जरूरत है जो हम हमेशा से कहते हैं लेकिन शायद हमारे दोस्त उनकी तरफ ये कन्वे नहीं कर रहे। उनको कौन समझाएगा? जो बात कर रहे हैं वही समझा सकते हैं ना जी। आप समझते हैं कि वो समझा सकेंगे? अल्लाह करे जी समझा लें। देखें अफसर साहब, हमारे जो भी नुक्ता नजर है, जो भी मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इस मुल्क में अमन कायम होना चाहिए और हमें भी उतनी ही ज्यादा जरूरत है, शायद PMLN से ज्यादा हमें जरूरत है, इसलिए कि हम ज्यादा अंडर थ्रेट हैं, इसलिए कि हमें ज्यादा तकलीफ हुई, हमारे लोग ज्यादा मारे गए, तो हम तो ज्यादा चाहते हैं कि इस मुल्क में अमन कायम हो और ये दहशतगर्दी खत्म हो जाए, लेकिन जो खदशात हैं उसका इजहार भी साथ साथ करना चाहिए। अच्छा, ये जो बैरूनी हाथ का जिक्र किया है तलाल चौधरी ने, आप क्या समझते हैं कि वाकई बैरूनी हाथ इसमें है? क्योंकि आपकी हुकूमत 5 साल रही है और आपको भी इन्फॉर्मेशन तो होती होगी, और अगर है तो उसको कैसे खत्म किया जा सकता है? देखिए, मुझे तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होंगे जो पैसा लेकर ये काम कर रहे होंगे, और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो क्रिमिनल्स हैं, बेसिकली वो मजहबी लोग नहीं है, उनको मजहब से कोई मोहब्बत नहीं है, वो इस मुल्क में शरीयत नाफिज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक लिबादा उन्होंने ओढ़ लिया, चूंकि एक वो हवा चली हुई थी तो उन्होंने कहा कि चलो ये बेहतर है कि हम भी तालिबान का रूप धार लें और कोई तंजीम बना लें, कोई ग्रुप बना लें। तो जो क्रिमिनल्स हैं वो तो पैसे के लिए काम करते हैं, वो पैसा उनको कहीं से मिले, और मुझे यकीन है कि उनको पैसा बहुत जगहों से मिल रहा होगा और वो उस पैसे के हुसूल के लिए सारा काम कर रहे हैं, उनका और कोई मकसद नहीं है। तो जब तक जो ऐसे ग्रुप्स हैं जो वाकई इस मुल्क में कोई जो शरीयत नाफिज करना चाहते हैं, जिनका और कोई एजेंडा नहीं है, शायद वो तो बातचीत कर लें, चूंकि वो उनके पीछे कोई और कुवत नहीं होगी, लेकिन वो जो लोग जो पैसे के लिए कर रहे हैं, किसी और मुल्क से पैसे ले रहे हैं, कुछ और एजेंसी उनको पैसा दे रही है, वो हुकूमत के कहने पर नहीं आएंगे और उनके खिलाफ कुछ और ही करना पड़ेगा। तलाल साहब ये बताइएगा कि जो पैसे की बात की है, पैसा आ रहा है, अभी आप मुजाकरात ही कर रहे हैं, चले मुजाकरात में क्या ये बात आएगी कि आपको जो बैरूनी ममालिक पैसा दे रहे हैं, असला दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो रुकेगा सब कुछ? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने जब हमने ये हुकूमत शुरू की तो उससे पहले और उसके बाद कुछ इंटरव्यूज और कुछ हमारे इकदाम इस पर तनकीद भी बड़ी हुई कि हमने कहा कि हम हमसायों से, वो इंडिया हो, वो अफगानिस्तान हो, वो ईरान हो, वो चाइना, उनसे तालुकात बहुत अच्छे चाहते हैं, और इसका बैकग्राउंड एक ये भी है कि हम हाउस इन ऑर्डर भी होना चाहिए अपना भी। चाइना अगर हर चौथे दिन शिकायत करे कि आपके लोग यहां से निकल के उनके इलाके में जाते हैं, ईरान वाले कहें कि वहां हमारे लोग जाके कुछ करते हैं, अफगानिस्तान कहे, इंडिया कहे, तो हमें भी अपने करतार पे, अपने माजी पे और उससे सीख कर अब ये सोचना चाहिए कि अगर हम ये डिमांड हमसायों से और दूसरी ताकतों से ये रखते हैं, किसको सोचना चाहिए? आप हुकूमत है, बिल्कुल। इसमें आप जानते हैं बहुत सारे स्टेक होल्डर्स और बहुत सारे ऐसे जो कभी पहले तो सिविल जो हुकूमतें हैं उनके अंडर रहा ही नहीं है, और ये जंगें भी तब शुरू हुई, और ये जो सब कुछ आज अजाब पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है, इसका आगाज तो मैं समझता हूं उन लोगों ने ही किया, और आज ये अजाब पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। आज वो खुद अस्पताल में पड़े, मेरा मतलब है हीटेड कमरे में इलाज भी करवा रहे हैं, बल्कि इलाज क्या कर रहे हैं, आराम ही करवा रहे हैं टैक्स पेयर्स के पैसों, टैक्स पेयर। और वो क्या कहते हैं, ये इस जंग का आगाज तो कारगिल की उस वॉर से हो गया था, जो चार दिन नहीं है वो प्रोविंशियल, लेकिन इलाज करवा रहे हैं, वो इलाज भी करवा रहे हैं वायरल। लेकिन ये जो आपने सिविलियन हुकूमतों की या सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन की उसकी सुपीरियोरिटी की बात की है,
कैसे इंश्योर होगा, हुकूमत करेगी या सियासतदान करेंगे या सियासी जमात? देखिए, तमाम सियासी, एक बात बड़ी वाजे है, तमाम सियासी पार्टियां जो इस वक्त ऐवान में हैं या बाहर हैं, वो बड़ी पार्टियां क्लियर हैं इस मामले पे कि अब उस दौर को खत्म हो जाना चाहिए। पिछले पांच साल हम पे फ्रेंडली अपोजिशन के नाम पर आप समेत, यानी मीडिया समेत, सब ने क्या, सिवाय मीडिया ही ऐसा था जो बार बार उन अदारों को पुकारता था कि आ जाओ, बाकी किसी सियासतदान ने पिछले पांच साल में चंद लोग, मेरा मतलब क्या भी थे, नहीं कोई आप सियासतदान निकाल लें, सब शेख रशीद के अलावा कोई बंदा नहीं था। हमने तो ये भी ये सहा ताना के फ्रेंडली अपोजिशन का, लेकिन पांच साल गुजरे, देख लें इकतदार सिविलियन टू सिविलियन आया, और ये एक निशानी है। और उसके बाद आप ही ने बातें की कि चीफ फलाने को एक्सटेंशन मिलेगी, फलाने को मिलेगी, फलाने, सब कुछ आईन और कानून के तहत हो रहा है, ये अच्छी बात है इस मुल्क के लिए। तो इंशाल्लाह ताला अब वो दौर नहीं है, सियासी जमातें भी इस बात पे कठी हैं, और हमने इस बात के लिए जिदोजहद की है, सीखा है, हमने एक कुफारा दिया है अपने पुरानी इन बातों का कि वो, और उसके बाद हम इधर हम इसको इंश्योर करेंगे कि अब जो सिविलियन हुकूमत के फैसले हैं वो उसी तरह इंप्लीमेंट होंगे जैसे सिविलियन हुकूमत चाहेगी। सईद गनी साहब, क्या आप शेयर करते हैं इनके थॉट्स जो हैं कि सिविलियन हुकूमतों के फैसले अब इम्प्लीमेंट होंगे, उन पर अमल भी होगा उसी तरह जिस तरह वो चाहेंगे, और क्या सिविलियन हुकूमतें, सियासतदान, सियासी जमातें सीख चुकी है माजी से? नहीं, देखिए मैं इस बात पर तुमसे बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि सियासी जमातों में कम से कम अब वो चीज़ नहीं है कि अगर इनकी हुकूमत आ गई है तो पहले दिन से हम इसमें लग जाएं कि इनकी हुकूमत गिरानी कैसे है, अब वो मामला नहीं हो रहा है। ठीक, अब कोशिश ये हो रही है कि ये हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करे, और अगर गलत काम करेंगे तो हम इनकी मुखालफत डट के करेंगे, लेकिन इनकी हुकूमत गिराने के लिए नहीं करेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है, और जो इल्जाम अगर इन पे लग रहे थे आज हम पे लग रहे हैं कि फ्रेंडली अपोजिशन है, तो लेकिन फ्रेंडली अपोजिशन है या नहीं, ये लोगों का कॉन्सेप्ट जो है कि अगर अपोजिशन हुकूमत को गिराने में नहीं लगी रहती पहले दिन से तो वो फ्रेंडली है, ये माइंडसेट कैसे तब्दील होगा? मेरा ख्याल है कि ये अगर तीन चार हमारी टर्म्स पूरी हो जाएं, ठीक, और जो हमारी नई जनरेशन आ रही है उसको पता चले कि जमहूरियत होती क्या है और उसमें किस तरह पार्टियां काम करती हैं, पार्लियामेंट किस तरह काम करती है, सिर्फ हुकूमतों को गिराने का मकसद ही अपोजिशन नहीं होती, उसमें और भी तरीके से आप अपोजिशन कर सकते हैं, तो शायद ये लोगों का जहन बदल जाए। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ माशाल्लाह ज्यादा रहता है तो इसलिए शायद लोगों को आदी नहीं है। बहुत शुक्रिया मेहमानों का हमारे साथ बात करने का, और आज की जो गुफ्तगू है उसमें दो बहुत अहम बातें मेरे ख्याल में, बाकी भी जाहिर अहम है लेकिन मेरे ख्याल में दो चीजें बहुत अहम है। एक तो ये कि पहले एक इब्राहिम प्राचा का नाम आया, फिर उसके बाद चौधरी निसार की सात रुकनी कमेटी थी, फिर मौलाना फजल रहमान भी इसमें कोशिशें करते रहे, मौलाना समी लग भी कोशिशें करते रहे, और अब ये छठा स्टेप है जिसमें चार रुकनी कमेटी बनाई गई है, और इस कमेटी को देखना यह है कि मैंडेट क्या मिलता है और इसकी कामयाबी के इम्कान क्या है। इसके बावजूद कि जो इतने बड़े बड़े उलमा पहले कामयाब नहीं हो सके तालिबान के साथ मुजाकरत करने में, कौम की दुआएं इस कमेटी के साथ हैं और उस अमल के साथ हैं जो इस मुल्क में अमन ला सके और अमन कायम भी रख सके। लेकिन एक अहम चीज इसमें जो है दूसरी, वो ये है कि इसका टाइम फ्रेम जरूर तय होना चाहिए, ये मुजाकरात इतने लंबे नहीं होने चाहिए कि उसमें कुछ और कुव्वतें फायदा उठाएं और तालिबान अपनी पोजीशन ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करें या फिर कौम मायूस होना शुरू हो जाए। ये टैक्टिक के तौर पे मुजाकरात का ऑप्शन यूज नहीं होना चाहिए, एक अल्टीमेट इसका कंक्लूजन होना चाहिए। इजाजत चाहते हैं, खुदा हाफिज और शब खैर। एंग्रो और हुकूमत सिंध पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की शराह पर हम कदम सिंध एंग्रो को